हेलो फ्रेंड्स, मितूस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विंटर स्पेशल तिल की बर्फी बनाएंगे। आज हम कम तिल के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फी बनाकर तैयार करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि कैसे आप कम तिल में ज़्यादा बर्फी बना सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा कप सूजी ली है। तो सबसे पहले हम सूजी को भूनेंगे। यहाँ मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है, पैन गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ये 1/4 कप देसी घी डालेंगे। देसी घी डालकर हमें सूजी को भूनना है। तो घी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें ये आधा कप सूजी डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम सूजी को कलर चेंज होने तक भूनेंगे। सूजी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। तो ये बहुत अच्छे से भुन गई है। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का ही कलर चेंज करना है इसका। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सूजी को प्लेट में निकाल लिया और फिर से मैंने वही पैन गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें ये मावा डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप मावा लिया है। तो हम इसे डाल देते हैं इसमें। गैस के फ्लेम को लो पर रखेंगे। लो फ्लेम पर मावे के सॉफ्ट होने तक हम मावे को भूनेंगे। मावे को भून के अगर बर्फी बनाते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक चलती है, तो इसलिए पहले हम मावे को भूनेंगे। मावा सॉफ्ट हो चुका है, मावा भूनकर तैयार है। तो मावे को भी हम एक प्लेट में निकालेंगे। फिर से मैंने गैस पर वही पैन रख लिया है। अब हम इस पैन में ये सफ़ेद तिल डालेंगे। तो ये 1 कप सफ़ेद तिल लिए मैंने। कोई भी एक कप सेट कर लें और उस कप से आप इन सभी चीज़ों का मेजरमेंट करें तो आपकी बर्फी बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगी। तो तिल को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तिल भी हमें हल्के से रोस्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो तिल कड़वे हो सकते हैं। तिल को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि तिल हल्का सा फूल ना जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। तिल भी हमारा फूल चुका है, इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो ये भूनकर तैयार है, इसे भी हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो गैस पे मैंने फिर से वही पैन रख लिया है। अब हम इसमें ये चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है और इसमें हम पानी डालेंगे। तो ये मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और इसमें मैं आधा कप पानी और डाल दूंगी। टोटल मैंने 1 कप पानी इसमें ऐड किया है। तो अब हम इसे चलाते हुए 2 तार की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। गैस के फ्लेम को हाई पे रखेंगे। हाई फ्लेम पर हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। चाशनी काफी गाढ़ी हो चुकी है, चाशनी पे झाग आने शुरू हो गए हैं। तो चाशनी को एक बार चेक कर लेंगे। तो अब हम इसे एक बाउल में 2-3 ड्रॉप डाल के देखते हैं हमारी 2 तार की चाशनी बनी या नहीं। चाशनी को पहले हल्का सा ठंडा होने देंगे, फिर इसे उंगली और अंगूठे के बीच में चिपका के देखेंगे। चाशनी हमारी तैयार है। गैस के फ्लेम को लो पे करेंगे। अब हम इसमें यहाँ 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इससे बर्फी को बहुत बढ़िया टेस्ट मिलेगा। अब हम इसमें ये मावा डालेंगे। सूजी डाल देंगे। तिल डालेंगे। आप चाहें तो तिल को मिक्सी में डाल के हल्का दरदरा भी पीस सकते हैं। तो सभी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस बर्फी में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मिश्रण ने बर्तन का तला छोड़ना शुरू कर दिया है। जब हम इसे इस तरीके से चला रहे हैं तो ये बर्तन के तले को छोड़ रहा है। इसका मतलब हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसे जमाएंगे। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है। प्लेट को मैंने घी से पहले ही ग्रीस कर लिया था। तो देसी घी या ऑयल से आप प्लेट को ग्रीस कर लें ताकि बर्फी के पीस बहुत आसानी से इस पे से उतर जाएं। हमारा मिक्सचर रेडी है। मिक्सचर को हम प्लेट पे फैला देंगे। मैं इसे हल्का सा चकोर शेप में जमाने वाली हूँ ताकि जो हमारे पीस हैं वो काफ़ी अच्छे से कट जाएं। तो इसे मैं अभी ही चकोर शेप में सेट कर दूंगी। तो मैंने इसे चकोर शेप में जमा दिया है। यहाँ मैंने थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं। तो मैं इन्हें बादाम से गार्निश करूँगी बर्फी को।
तो इसे हम हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि इस पे अच्छे से सेट हो जाए। अब बर्फी को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे ताकि बर्फी हल्की सी ठंडी हो जाए। उसके बाद हम इसे चाकू से कट करेंगे। बर्फी हमारी ठंडी हो चुकी है तो मैं अब इसे पीसेस में कट करूंगी। तो मैंने इस पे कट के निशान लगा दिए हैं। अब जब ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाएगी तब हम इसको प्लेट में से निकाल लेंगे। बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है तो अब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। तो एक बार हम फिर से चाकू से हल्का हल्का इसे चलाएंगे और इसके पीसेस को बाहर निकालेंगे। ये देखिए, इसके पीसेस बहुत आसानी से निकल आए हैं और कितनी बढ़िया बर्फी हमारी रेडी हो गई है। बर्फी को मैंने प्लेट पर निकाल लिया है और इसके पीसेस कितने अच्छे से कट हो चुके हैं। ये देखिए, कितनी बढ़िया बर्फी हमारी रेडी हुई है। हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी बर्फी आप अपने घर पर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आप इस बर्फी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए।